Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, श्री सुदर्शन से प्रार्थना किया
यदि श्री भगवान मुझको प्रसन्न हो तो ये ग्रहण विज्वल हो जाए, संताप रहित हो जाए। इस बात को सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी इस प्रकार शांति प्राप्त किए। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से मुक्त होकर और स्वस्ति पा करके दुर्वासा जी महाराज अंबरीश से गुरु का दान कर रहे हैं। दुर्वासा जी यहाँ से बोलते हैं, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में, अहो मैं अद्य अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट, अहो अपने जीवन में आज मैंने समझा कि भगवान श्रीहरि के भक्तों की क्या महिमा है, कितना उदार कितना महान चित्त है भक्तों का। आज अम्बरीश महाराज के उदाहरण से मैं जाना क्या महिमा है। कृपा दशो की जग राज अनुमंद रानी समूह से मैंने आपका वध करने की चेष्टा किया, मैंने कृत्य उत्पन्न किया और आपको जान से मारना चाहा। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध, लेकिन फिर भी आप मेरे मंगल की कामना कर रहे हैं, आप मुझे सुदर्शन से बचा रहे हैं, मुझे जीवित देखना चाहते हैं, मुझे सुखी देखना चाहते हैं। महाराज आज मैं भगवान के भक्तों के हृदय की महानता को देखे तो महान होते आश्चर्य कर रहे हैं। दुर्वासा यही महानता है वास्तव में। कोई व्यक्ति कितनी भी दोष दृष्टि किया हो या क्रूर दृष्टि रखा हो किसी वैष्णव के प्रति, कहीं फिर भी उसके मन में भगवान हमेशा बसे रहते हैं, भगवान के सौंदर्य के माधुर्य लीला आदि को देखता रहता है, उस अनुभव के वश में निमग्न रहता है। अतः किसी के द्वारा किए गए अपराध या क्रूर विचारों के तरफ दृष्टि भी नहीं करता। आज मैंने देख लिया, मैंने माया अदृष्ट कोई मैं सुन करके नहीं कह रहा हूँ, दुर्वासा जी कहते आज दृष्ट मैंने देख लिया कि भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। कृपा का समय महाराज आपके आपकी जान मारना चाहा और कोई अपराध नहीं था आपका, सब प्रतिशत अपराध मेरा था और फिर भी आप मेरे प्राण रक्षा के लिए सुदर्शन जी से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपने अपना पूरा पूर्ण लगा दिया। यहाँ तक चाहिए कि हमारे वंश के लोगों ने यदि दान दिया है ब्राह्मणों को सत्पात्रों को और हम लोगों ने यदि कुछ भी धर्म कर्म किया है यज्ञ किया है इत्यादि, और यदि हमारे वंश के सभी लोग ब्राह्मण को ही अपने कुलदेव मानते हैं तो आप शांत हो जाइए। इन सब बातों को दुर्वासा जी ने सुना था और देखा था महाराज अम्बरीश को प्रार्थना करते हुए। राम ने महाराज अम्बरीश ने कहा कि यदि सर्व गुणाश्रय श्री भगवान हम पर प्रसन्न हैं तो मैं यही पर मानता हूँ कि आप इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, सुदर्शन मत जला रहे, यही यही मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह होगा। यदि हमारे भक्ति से या सर्वात्म भावना से यदि मैंने आज तक सबने भगवान को देखा हो और सबके मंगल की कामना किया हो और इस भावना से यदि श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हैं तो ये ब्राह्मण बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, सुदर्शन की ज्वाला से मुक्त हो जाए और स्वस्थ हो जाए।
इतना सामने पड़ोस सुबह संसोर इन सब बातों को महामुनि दुर्गाशा जी देखे हैं किस तरह का महान विचार स्वयं मान की स्व सुख की इच्छा न करके और दूसरे को सुखी करने की जो भावना होती है इस भावना से युक्त लोगों को ही महात्मा कहते हैं और फिर द्रोही को दैवी को जो जान मारना चाहता हो उसके प्राण की रक्षा की प्रार्थना करना ये और भी उच्च श्रेणी की बात है और उच्च श्रेणी। एक बार बात मैं सुना रहा हूँ बिल्कुल सत्य घटना है। सागर यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश में एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान वहाँ थे जो खास राधा रमन महाराज के बड़े पिता थे। राधा रमन महाराज जो सागर के सन्यासी हैं कभी कभी आते हैं उनके बड़े पिता थे। इन्होंने रामचरित मानस को फिर संस्कृत में लिख दिया। अब यही विद्वता सम्मान जन संग पूरा वाणा नाम और संघा नाम से लेकर अंत तक संस्कृत में कर दिया। उसको प्रिंट नहीं हुआ है लेकिन मैं उसको देखा हूँ संस्कृत में पूरा। तो चैतन्य महाप्रभु पर चर्चा चल रही थी तो हमने कह दिया बातचीत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं। इस बात को उन्होंने सुना और कहते हैं निश्चित महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। तो कहे इसके विषय में जितना भी शास्त्र प्रमाण हो और भक्तों का अनुभव लेकिन मेरा एक पर्सनल अनुभव है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ। तो मैं चकित हो गया उनका अनुभव हाँ मेरा अनुभव है। एक घटना है चैतन्य महाप्रभु के जीवन की जब वे निमाई पंडित थे नवदीप में तो वे व्याकरण पढ़ाते थे विद्यार्थियों को कुछ बड़ा होने पर। निमाई पंडित यही नाम प्रसिद्ध था। उनके एक मित्र थे रघुनाथ। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भी पढ़ाते थे न्याय शास्त्र और चैतन्य महाप्रभु भी पढ़ाते थे व्याकरण शास्त्र और न्याय शास्त्र जो भी। गंगा जी पार कर रहे थे। गंगा जी पार करते हुए रघुनाथ की इच्छा हुई कि मैं जरा देखूं निमाई भी एक न्याय ग्रंथ की रचना किए थे संस्कृत में तो उसको देखना चाहते थे और रघुनाथ भी रचना कर चुके थे। तो जब निमाई पंडित के द्वारा रचित न्याय ग्रंथ देखने लगे देख रहे थे और देखते देखते रोने लगे रघुनाथ। तो निमाई पंडित पूछे आप रो क्यों रहे हैं। तो वो कहे रोते हुए कहे कि निमाई तुम्हारा न्याय ग्रंथ इतना अच्छा है इतना अच्छा है कि हमारे न्याय ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारा बहुत उत्कृष्ट है। वो तो बहुत शोक में पड़ गए कि हमारे ग्रंथ को कोई नहीं पूछेगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ से लिए वो पोथी अपनी और लेकर के कहे मित्र तुम इससे क्यों दुखी हो रहे हैं। वो अपना रचा हुआ ग्रंथ उन्होंने गंगा जी में फेंक दिया पूरा। सुना ये घटना घटी थी अपने रचे हुए ग्रंथ को भगवान चैतन्य महाप्रभु गंगा में फेंक दिए और अपने मित्र का ग्रंथ रहे इसका नाम होवे इच्छा की। तो इस घटना को परम विद्वान हमसे कह रहे थे कि यह केवल ईश्वर में संभव है ये मनुष्य नहीं कर सकता। इस प्रकार का त्याग
अपने रचे हुए ग्रंथ को गंगा में डाल देना, प्रवाहित कर देना और मित्र की इज्जत रखना, ठीक है इसी का नाम हो ये, ऐसा त्याग मनुष्य नहीं कर सकता। वे बार बार इस बात को कह रहे थे, कभी किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है जो अपने मान का इतना त्याग कर दे और दूसरे को मान दे। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ अम्बरीश महाराज किसके जीवन की रक्षा चाहते थे। जिस व्यक्ति ने अम्बरीश महाराज का वध करने के लिए अपनी पूरी योग शक्ति, जो भी भजन किए थे, तप किए थे, उसको लगा दी, तो कृत्या उत्पन्न करके और अम्बरीश महाराज का वध करना चाहते। लेकिन वही अम्बरीश महाराज जब लौटे दुर्वासा जी उनके पास, तब ये चक्र से शांति की प्रार्थना कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से अपने को सताने वाले और अपने द्रोही के प्रति उदार भावना हो, ये असंभव है किसी मनुष्य में। पर जो भगवान के प्रेमी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, उनमें भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। जत्रास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बन जाता है तो उसमें सारे देवता वास करते हैं और अपने अपने गुणों के साथ वास करते हैं, तो समस्त गुणों का निधान हो जाता है। तो दुर्वासा जी यहाँ पर अनुभव करके, साक्षात देख करके और कह रहे हैं, आज मैंने भगवान कृष्ण के भक्तों का महत्व देखा, महिमा देख कि मैं इनका अपकार किया, इनका वध करना चाहा, लेकिन ये मेरे मंगल की कामना करते हैं। मंगलानी समीह, आप चाहते हैं कि मैं जीऊँ, मैं सुख से जीऊँ बहुत दिन तक, मुझे कोई दुख ना हो, और अपने दुख पर कोई विचार नहीं किए। यही है विष्णु के भक्त की महिमा। दुष्करह कौन साधु नाम, दुस्तजो व महात्मा नाम, यही संगृहित हो भगवान सातो काम ऋषभो हरि। फिर दुर्वासा जी सिद्धांत कह रहे हैं कि जय ही सातोतम ऋषभो हरि संगृहित तेषा महात्मा नाम साधु नाम कह दुष्कर कह दुस्त्यज। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों ने भगवान को अपने हृदय में बसा लिया है, जो सात्वत वंश के शिरोमणि हैं या भक्तों के पालक हैं, भगवान श्री हरि कृष्ण, जिनको भक्तों ने हृदय में, जिन लोगों ने हृदय में बसा लिया है, कृष्ण को ही परम धन समझते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। कौन सा ऐसा कठिन कार्य हो सकता है जिसे वे नहीं कर सकते। यहाँ अम्बरीश महाराज का संबंध दुर्वासा मुनि के साथ अम्बरीश महाराज का जो व्यवहार है उसी को दुर्वासा जी कह रहे हैं। यह दुष्कर है, अन्यों के द्वारा यह दुष्कर है। इस तरह से सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और मेरे अपराध पर कोई दृष्टि नहीं डालना, यह दुष्कर है। परंतु जिन्होंने भगवान को, कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया है, उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं। अम्बरीश इसीलिए हमारी मंगल कामना कर रहे हैं, इसीलिए इनकी महिमा है कि इन्होंने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, ये कहा। और अन्य जो योगी हैं, तपस्वी व्रतधारी आदि जो हैं, वो व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, मुनि बन जाते हैं, लेकिन भगवान को हृदय में बसाते नहीं। मतलब हृदय में कोई उत्कट लालसा नहीं होती है, कृष्ण से प्रेम नहीं होता है, कृष्ण से उस तरह का राग नहीं होता है। देखने में लगता है कि भाई बड़े भारी तपस्वी हैं, बड़े भारी व्रतधारी हैं,
जोगी हैं, जति हैं, लेकिन अपने बारे में वो दिखा रहे हैं, मैं एक प्रसिद्ध योगी हूँ, तपस्वी हूँ, दुनिया में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं क्या आचरण किया, मैं भूख की ज्वाला भी नहीं सह सका, भूख थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं कर सका, और अम्बरीश थोड़ा सा जल पी लिए, इसके लिए मैं इनको दंड दिया। पर यह भक्त ऐसा है कि यह मेरे पर ध्यान ही नहीं दिया कि इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, दुख दिया, नहीं नहीं देखा, क्योंकि इनकी दृष्टि भगवान पर है, ये मन में हमेशा भगवान को देखते रहते, यही विशेषता है। तो दुष्करह कौन साधु ना, जो साधु हैं, भगवान श्री हरि के भक्त हैं, उनके लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। दूसरों के लिए दुष्कर है इस प्रकार की दया करना, इस प्रकार की दोष दृष्टि शून्यता होना, वह इनके लिए दुष्कर नहीं है। और दुस्तजो व महात्मना, जो रियल में महात्मा है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए क्या दुस्त्य, जो क्या नहीं छोड़ सकते हैं, यदि आवश्यकता पड़ जाए तो कृष्ण के लिए वो सर्वस्व छोड़ सकते हैं, कह दुस्त्य जो है। तो महात्मना, महात्माओं के लिए क्या दुस्त्य जो है, वो एक क्षण में कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ उनके चरणों में उपस्थित कर सकते हैं। जैसे बलि महाराज, बलि महाराज भगवान को सब कुछ दे दिए, एक पैसा भी नहीं रखे, अपने परिवार की चिंता नहीं किए, और यहाँ तक कि भगवान की भक्ति में गुरु बाधक हुआ तो गुरु को भी त्याग दिए, शुक्राचार्य को त्याग दिए, बलि गुरु कर तजय कंत ब्रज बलि। गुरु जी कह रहे थे कि इतना दान मत दो भगवान को, इतना दान मत दो, तो गुरु की ही अवज्ञा कर दे, मैं दूंगा, सब कुछ तो इनका ही है, और वही प्रभु हमसे मांग रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं दूंगा। डायरेक्ट आकर के हाथ पसार कर भगवान मांग रहे थे, वो भी भिखमंगा बन करके आए, ब्राह्मण बन करके, ये हमको देगा, तो इतना गिर करके भगवान आए हैं, और इन्हीं का सब कुछ है, और फिर भी ना दूं, यदि मैं भगवान को नहीं देता हूँ तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा, कुछ भी दुस्तेज नहीं है। भगवान के भक्त कुछ भी छोड़ सकते हैं, खास करके अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा जी कह रहे हैं, दुस्तेज का राजा थे, क्षत्रिय थे अम्बरीश महाराज, क्षत्रियों में ज्यादा क्रोध होता है, ये ऐसा वर्णन मिलता है, क्योंकि उनके पास धन होता है, अधिकार होता है, राजा होते हैं, पर इतने उत्कृष्ट कोटि के सप्त द्वीपवती पृथ्वी के राजा होते हुए भी थोड़ा भी क्रोध नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने विचार तक नहीं किया कि ये हमको मारे हैं, कृत्या उत्पन्न किए हैं, मैं केवल पानी पी लिया तो इतना दंड दे रहे हैं, विचार ही नहीं किए, उनके प्राण के रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिन्होंने सात्वक पति जादव पति भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, वो क्या नहीं कर सकते, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं, कोई भी शुभ कर्म वो कर सकते हैं, और मान त्याग आदि, और क्या दुस्तेज है, क्या नहीं मैं छोड़ सकते। इस तरह से दुर्वासा जी गुण गा रहे हैं, तब कहते हैं भक्तों में ये सब गुण आ जाते हैं, इसका क्या कारण है, कारण है भगवान का हृदय में बसना, भगवान हृदय में आते हैं तो सारे गुण आ जाते हैं। फिर दुर्वासा जी कहते हैं कि जन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अवशिष्यते। जिनका नाम कीर्तन एक बार कोई व्यक्ति सुन ले, एक बार श्रुति मात्रेण, एक बार उनके नाम का उच्चारण सुन लेता है, तो वह व्यक्ति निर्मल हो जाता है,
उसके जीवन में जो भी पाप अपराध मल है सब दूर हो जाता है एक बार नाम सुनने पर। कभी कभी जब हम लोग कहते हैं कि वास्तव में दुर्वासा मुनि भगवान की इच्छा से ही, अर्थात भगवान ने उनके हृदय में अम्बरीश महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए विपरीत भावना पैदा किया, तो कभी कभी कुछ भक्त नहीं मानते हैं इस बात को। लेकिन ये जो उद्गार हैं, जय संगृहित तो भगवान सात्वताम ऋषभ प्रभु हरि और जन नाम श्रुति मात्र पुमान भवति निर्मल, ये सब वैष्णव के बिना उद्गार निकल ही नहीं सकते। जिनका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। मल क्या है? मल है भागवत में साफ कहा गया है, काम लोभादि भीर मलय, जो हृदय में विषयों को भोगने की भावना लालसा है और भोग मिलने के बाद भी जो और स्प्रिया बढ़ती है तो उसको लोभ कहते हैं। भोग की वासना, वासना को काम कहा जाता है और वासना और बढ़ती है तो उसको लोभ कहा जाता है। तो काम और क्रोध लोभ आदि मल हैं आत्मा पर। लेकिन जब व्यक्ति भगवान का कीर्तन सुनता है, नाम सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है, मल रहित हो जाता है, काम लोभ क्रोध आदि समाप्त हो जाता है। तो दुर्वासा जी यह कह रहे हैं कि भक्तों में जो इतना उत्कर्ष है वह भगवान के कारण है, भगवान को अपने हृदय में बसाए रहते हैं, इसी से उनमें ये दिव्यता आ जाती है। क्योंकि सिद्धांत है कि जन नाम श्रुति मात्र न पुमान भवति निर्मल, भगवान का नाम सुनने मात्र से व्यक्ति निर्मल हो जाता है और फिर वाइब्रेट करे, जिह्वा से बोले, कीर्तन करे, तब तो कहना ही पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी प्रचार करने वाले भक्त आवेश में बहुत गड़बड़ बोल देते हैं, किसी को कहते हैं आप हरे कृष्ण बोलो, बाह ऊपर करो, बाह ऊपर नहीं करते हो तो अगले जन्म में लूला हो जाओगे और हरे कृष्ण नहीं बोलोगे तो गुंगा हो जाओगे। इस तरह की बात बोलने वाला पागल कहाँ से बोलने लगा, उसको स्वयं ही कीर्तन की महिमा का पता नहीं है और इस तरह से प्रीचर बन जाते हैं लोग। मतलब वाह खड़ा करो बोलो, ठीक है कहो कि वाह खड़ा करो, लेकिन कोई वाह न खड़ा करे और मान लीजिए भगवान का नाम सुन रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, तो अगले जन्म में लूला हो जाएगा। जरा विचार कीजिए, इस तरह के प्रीचर घूमते रहते हैं। जिनका नाम सुनने से व्यक्ति निर्मल हो जाता है, उन भगवान की अद्भुत महिमा है। कोई नाम सुनता है, कोई बोल रहा है, कोई प्रणाम करता है, कोई मन में स्मरण करता है, कथा सुन रहा है, तो ये सब साधन इतने महान हैं कि व्यक्ति निर्मल हो जाता है। तो यह महानता किसकी है? सब मिलाकर के अंततः महान है श्री भगवान कृष्ण है। जिनका नाम सुनने पर व्यक्ति निर्मल हो जाएगा, वे प्रभु अपने आप में कितना पवित्र है। उनका नाम कृष्ण एक बार कोई सुने तो पवित्र हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण का चरित्र कितना निर्मल है, वे कितना निर्मल है। कभी कभी मूर्ख लोग भगवान कृष्ण पर आक्षेप करते हैं कि ये तो दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचे हैं, ये है वो है। लेकिन गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान से, परम धाम परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं और आप परम पवित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा पवित्र कोई नहीं है, मूर्तिमान पवित्रता है, उनकी लीला पवित्र है, निष्कलंक है। भले किसी मूर्ख को समझ में आवे या न आवे, लेकिन वे परब्रह्म हैं, भगवान हैं। और अर्जुन इस बात को कहने के लिए, सपोर्ट के लिए कहते हैं
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो अर्जुन आगे कहते आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सभी ऋषि मुनि यही कहते हैं आपके विषय में कि आप परम ब्रह्म हैं, परम आश्रय हैं समस्त जीवों के और परम पवित्र हैं। आपका नाम आपकी लीला परम पवित्र है, आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, आपको सभी ऋषि यही कहते हैं, जिनमें कुछ लोगों का नाम रख रहे हैं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, जिसमें सबसे फर्स्ट ऋषि हैं सबसे महान भगवान वेद व्यास देव, यही कहते हैं आपके विषय में कि आप परम पवित्र हैं, परम ब्रह्म हैं, आदि पुरुष हैं, शाश्वत पुरुष हैं, अजन्मा हैं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद, देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यास, असित ऋषि, देवल ऋषि और भगवान वेद व्यास देव, ये सभी ऋषि कहते हैं। एक भी ऋषि का इसमें प्रत्यवाय नहीं है, एक की भी आपत्ति नहीं है। सभी ऋषि कहते हैं कि श्री कृष्ण परम पवित्र हैं, परम धाम हैं, जीवों के परम आश्रय, ये सभी ऐसी बात कहते हैं। तो ये है भगवान की पवित्रता, उनका वे परम पावन हैं, इसीलिए उनका नाम पाप बड़े से बड़े पापियों को तत्काल शुद्ध कर देता है सुनने मात्र से, और फिर बोलने पर तो कहना ही क्या है। इस शास्त्र के वाक्य जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। एक बार बॉम्बे मंदिर में मंगला आरती के बाद सारे भक्त जप कर रहे थे, टेंपल कमांडर था वो हाथ में पिचकारी लेकर के और सोने वाले भक्त के आँख में मारता था जल, जैसे जग जाए जप करे झपकी न आवे। एक भक्त था सो भी नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था, तो उसको पिचकारी भी नहीं मार सकता था आँख में क्योंकि आँख खुली थी, परंतु माला झोली पकड़े था और ऐसे चुपचाप बैठा था, मेरे साथ में था। तो हमको टेंपल कमांडर कहा कि आप उसको क्यों नहीं कहते हैं कि वो बोल करके जप करें, चुपचाप क्यों है। मैं कुछ बोला नहीं, वो भक्त ऐसे चुपचाप था, तो स्वयं आकर के टेंपल कमांडर कहता तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। तो बड़ी ही मस्ती से उत्तर दिया, तुम लोग जो बोल रहे हो उसको सुन रहा हो। अब तो टेंपल कमांडर झक मार गया उसको। तो मैंने कहा वास्तव में अगर सही में ये सुनते हैं तो सुनने दीजिए, आप फर्श क्यों कर रहे हैं बोलने के लिए। अगर सुन रहे हैं तो सुनना और बोलना दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। तो कहा कि तुम लोग जो बोल रहे हो हम सुन रहे हैं। तब कोई उत्तर नहीं था टेंपल कमांडर के पास कि वो कुछ कहे, हम भी चुपचाप रहे और देखा कि वो सो नहीं रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा है। फिर बाद मैंने कहा कि ठीक है लेकिन नियम है बोलने का भी, बोलते भी रहिए बीच बीच में, सुनिए और बोलिए भी। उस समय हमें ये बात याद आ रही थी श्लोक भागवत का, जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि और लोगों को भी माला पकड़ करके बस सुनना चाहिए। ठीक है सुनना बोलना साथ साथ भी हो सकता है, और नहीं प्रभुपाद जी का सीडी चालू करके कोई कहे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, तो वो भी निस्तंद्र सुना जाए तो वो बहुत अच्छा है। सुने और बोले दोनों करे, श्रवणम कीर्तनम, पर अच्छा है कि कीर्तन भी हो, कीर्तन हो तो अच्छा है। सुनना बहाना नहीं बना लेना चाहिए कि अब तो सुनना भी कीर्तन के समान ही है, इसलिए हम बैठे बैठे अब सुना करें। तो जीभ बेकार हो जाएगी ना, जीभ से बोलना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो जिनके नाम के श्रवण की और कीर्तन की इतनी महिमा है
वे प्रभु कितना शुद्ध हैं, कितना निर्मल हैं, ऐसा है समझा जा सकता है। तो भक्तों की इसीलिए महिमा है कि वे भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, और इस कारण से भक्तों में ये सब गुण आ जाते हैं। ये किसी अपराधी के अपराध पर ध्यान नहीं देते, सबका मंगल चाहते हैं, द्रोही से द्रोही भक्त का जीव का मंगल चाहते हैं, अनिष्ट नहीं चाहते। उसी को कह रहे हैं कि जन नाम श्रुति मात्र न पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पद किंवा दास नाम शिष्य थे। ऐसे तीर्थ पाद जिनके चरणों से श्री गंगा जी निकली हैं, ऐसे प्रभु के जो दास बन चुके हैं, उनके लिए किम अवशिष्य थे, कौन सा ऐसा बड़ा, कौन सा ऐसा यज्ञ दान तप शुभ कर्म है जो बच गया है करने से, किम अवशिष्य थे, कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। जो भगवान का नाम सुनते हैं, जो भगवान के चरणों के दास बन गए हैं, जो कीर्तन करते हैं, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने यज्ञ नहीं किया, तीर्थ नहीं किया, दान नहीं किया, वेद अध्ययन नहीं किया, किम अवशिष्यते, कुछ भी बाकी नहीं है, न किमपि अवशिष्यते, कुछ भी बाकी नहीं है। वो सबसे बड़े जागीक हैं, सबसे बड़े दानी हैं और सबसे बड़े वेद वेत्ता हैं, तीर्थस्नायी हैं, सब कुछ कर चुके। जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता रहता है वो सब कुछ कर चुका है, उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको स्वयं भगवान की माता देवहूति जी कहती है, अहो बत स्व पचोतो गरीयान जज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष तपस्ते जुहु सस्नुराजा ब्रह्मानुचुर नाम गृणंत ये ते। अहो वह चांडाल भी सबसे श्रेष्ठ है जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम विराजता है, और फिर जो श्रद्धा के साथ आपका नाम जपते रहते हैं वे तो सब प्रकार की तपस्या कर चुके, सारे तीर्थों में स्नान कर चुके और सारे अश्वमेध आदि यज्ञ कर चुके और समस्त वेदों का हजारों बार पाठ कर चुके। वेद पढ़ने का लाभ क्या, ये लाभ है कि नाम जपा जाए, तो जो नाम जप रहा है वो सारा चारों वेद पूरा जानता है, कई बार पढ़ चुका है, ये अर्थ है। तो तस्य तीर्थ पद किंवा दासा नाम अवशिष्य थे, जो ऐसे तीर्थपाद भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए हैं, उनके लिए अब क्या बाकी है, कौन सा शुभ कर्म नहीं कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। और अंत में कहते हैं दुर्वासा जी, राजन अनुग्रहीतो हम त्वयाते करुणात्मना मदघम पृष्ठतः कृत्वा प्राणा जन्मे भी रक्षिता। महाराज आपने मुझ पर बहुत कृपा किया, मैं आपके द्वारा अनुग्रहित हूँ, तो या अति करुणात्मना, वास्तव में आपके हृदय में अति करुणा है, अति करुणा। करुणा का अर्थ होता है किसी के दुख को दूर करने की भावना, सीमा से बाहर करुणा है, करुणा के समुद्र हैं आप। वैष्णव को ऐसे कहा भी जाता है, कृपा सिंधु भेय वचन, ये कृपा के समुद्र हैं। तो कृपा के समुद्र में, मान लीजिए कोई जल का समुद्र है, जल के समुद्र को कोई एक तिनका को प्रज्वलित करके आग में रख करके उसको प्रज्वलित कर, तो तिनका का अग्रभाग लाल हो जाता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में लुत्ती कहते हैं, लुत्ती छोटा सा तिनका, उसका अग्रभाग लाल है। क्या उस तिनके के अग्रभाग को, लाल तप्त अंश को समुद्र में डुबाएगा तो क्या समुद्र खौलने लगेगा, बल्कि वही लुत्ती बुझ जाएगी, है ना। भगवान के भक्त तो इस तरह करुणा के सागर होते हैं। कोई दुर्वासा जैसा छोटा सा अपराध उनको गर्म नहीं कर सकता है, बल्कि उसी का क्रोध खत्म हो जाएगा। वैष्णव कभी क्रोधित नहीं हो सकता किसी के अत्याचार से,
तो इसको अति करुणा कहते हैं, अति करुणा। सामान्य जीवों पर कृपा करना हो तो ठीक है, लेकिन अपने द्रोही, अपने मारने वाले के मंगल की कामना करना, ये अति करुणा है। तो आप अति करुणावान हैं, कृपावान हैं, क्योंकि मद अघम पृष्ठतः कृत्वा, मेरे पाप को, मेरे अपराध को आप अपने पीठ के पीछे कर दिए, आँखों के सामने नहीं रखे। पीठ अपराध को पीठ के पीछे कर देना मतलब आप उस पर ध्यान नहीं दिए, विचार नहीं किए, और उल्टे में प्राणाभिरक्षिता, जन में प्राणाभिरक्षिता, आप हमारे प्राणों को बचाए, आप हमारे जीवन की रक्षा किए, हमारे पाप पर अपराध पर आपने ध्यान नहीं दिया। अहो धन्य है आप, धन्य है आपकी महानता, और धन्य है भगवान श्री विष्णु जिनके दास ऐसे होते हैं। बारंबार भगवान की महिमा गा रहे हैं। तब अब सुखदेव गोस्वामी दो श्लोकों में कहते हैं, राजा तम कृताहार प्रत्यागमन कांक्षया चरण उपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजय। महाराज अम्बरीश भी एक वर्ष से भोजन नहीं किए थे, जब से दुर्वासा जी गए थे वहाँ से, चक्र जब से उनको खदेड़ा था और भागे थे, तो अब तक लौटने में साल भर लग गया। इतने वर्षों तक राजा अम्बरीश केवल जल पी करके रहे थे, भोजन नहीं किए थे, अब भक्षा केवल पानी पी करके रहे थे, अब खड़े थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसे ऋषि को जब लौटे तो महाराज अम्बरीश चरणों उपसंगृह उनके दोनों चरण पकड़ करके मनाने लगे, और मना करके उनको प्रसन्न करके तब समभोजयत, उनको भोजन कराया, दुर्वासा जी को भोजन कराया, चरण पकड़ करके मनाए, चरण धोए, और इसके बाद बैठाए, प्रसाद पाने के लिए कहे, प्रसाद्य उनको प्रसन्न करके तब भोजन कराए, समभोजयत। सो असित्वा आदृतम आनीतम आतिथ्यम सर्वकामिकम तृप्तात्मा नृपतिम प्राह भुज्यतामिति साधन। तो दुर्वासा जी बहुत आनंद से आसन पर बैठे, भोजन के आसन पर, और भोजन बहुत ही आदर के साथ लाया गया है, बहुत आदृतम और सर्वकामिकम। सर्वकामिकम का अर्थ है सब प्रकार के व्यंजन जो दुर्वासा जी खाते थे। शुरू में तप किए थे तो केवल दूब खाए थे, दुर्वा असर असमान भोजन, जिसका दूब भोजन हो उसको दुर्वासा कहते। तो ये पकवान सकवान ये सब बहुत ही नहीं खाते थे, साधु थे, त्यागी थे, व्यंजन आदि खूब खाए। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्यंजन कई प्रकार के खाए, कई प्रकार की सब्जी शाकाहार खाए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत मिठाई आदि नहीं लिखे, तो व्यंजन कहते हैं, व्यंजन बहुत खाए। तो सर्वकामिकम जो सब तरह से कामना की जाती है, बहुत स्वादिष्ट और ताजा प्रसाद उनको खवाए इनको अम्बरीश महाराज। तो तृप्तात्मा मन बिल्कुल तृप्त हो गया, महाराज अम्बरीश के व्यवहार से खुश हो ही गए थे, अब भोजन करके तृप्त हो गए। साल भर जो भागे थे, थकावट हुई थी, और महाराज अम्बरीश के व्यवहार से, वचन से, भोजन से सब दूर हो गए। तृप्त आत्मा, तृप्त हो करके नृपतिम प्राप, राजा अम्बरीश से बोले, सादरम सादर के साथ बोले, भूज जाता है नीति, ठीक है खाया जाए, अब आप खाइए। दुर्वासा जी खा लिए, तृप्त हो गए, मुखवास आदि भी दिया गया, वो भी ले लिए, और उनको बेड पर आराम करने के लिए कह दिया गया। तब उन्होंने कहा, जब महाराज अम्बरीश ने प्रणाम किया तो कहे, अब खाइए, आप खा लीजिए, अब खा लेंगे तब मैं जाऊँगा, तो आश्रम तो एक साल से छूटा ही है।
पता नहीं शिष्य लोग क्या सोचते होंगे, गुरु जी की क्या हालत हुई, तो भागते रहे। मैं कहा आप खाइए, और फिर कहते हैं प्रीतो अस्मि अनुग्रहीतो अस्मि तो भागवतस्य वही अहो, आप भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी हैं, आप भागवत हैं, मैं प्रसन्न हूँ अनुग्रहीतो अस्मि, आपने मुझ पर बहुत कृपा किया, मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? दर्शन स्पर्श ना ला पाए, आतिथ्य न आत्ममेव दशा, चार चीज बता रहे हैं, मुझे आपका दर्शन मिला, आपको देखने का आंख भर करके, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। महाराज अम्बरीश से दुर्वासा जी फिर कहते हैं मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, वास्तव में आप भगवान के महान प्रेमी हैं, भक्त हैं, तो आपके दर्शन से और आपके स्पर्श से। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।